बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ उत्तर मुंबई गुजराती विभाग के अध्यक्ष धर्मेश जोशी द्वारा फ्री गरबा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पूरा सपोर्ट है तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसका आयोजन मुंबई स्थित बोरीवली वेस्ट के साई बाबा नगर के बाल विकास एवं समाज कल्याण केंद्र में रखा गया है। इस वर्ग से जुड़ने के लिए लड़का हो या लड़की किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति जुड़ सकते हैं और फ्री गरबा प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी गुरुवार की शाम 6 बजे से। बड़ी बात यह है कि यह प्रशिक्षण प्रसिद्ध गरबा क्वीन दिव्या सोनी और हिरेन पांचाल देंगे। पहले दिन ही बड़ी संख्या लोगों की देखने को मिली। धर्मेश जोशी ने बताया, सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उनके साथ खड़े हैं उनके सपोर्ट में उत्तर मुंबई गुजराती विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश त्रिवेदी, हितेश पारेख, राजीव भट्ट, कमलेश देसाई, हसमुख मकवाना, अश्विन शाह, मनन पारेख और युवा मंडल अध्यक्ष गणेश बारेख। यह बुधवार 7 सितंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बुधवार और शुक्रवार शाम से 6 से 7 के बीच किया जाएगा। धर्मेश सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज क्या सोचा है कि हम बच्चों को सिखाएं, फ्री में सिखाएं? सबसे पहले जय माता जी, आने वाली नवरात्रि की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। जैसे आज हमको CM शिंदे साहब ने और DC फडणवीस साहब ने आज जो छूट दी है हर एक प्रोग्राम के लिए, उसी तरह से आज मैं आशा करता हूँ कि नवरात्रि में भी बहुत अच्छी छूट मिलेगी। सेकेंडली, आज मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ फ्री में, हमारे आदरणीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी साहब के नेतृत्व में ले रहा हूँ और उनकी परमिशन से उन्होंने मुझे ये बैंकेट हॉल दिया है जहाँ पर मैं ये फ्री गरबा ले रहा हूँ बच्चों को। मैंने प्रस्ताव रखा था कुछ समय पहले कि सर मुझे एक प्रोग्राम करना है, मुझे पूछा गया था किस तरह से करूँगा, तो मैंने बोला सर फ्री में मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने विद इन अ माइक्रो सेकेंड बोल दिया कि धर्मेश आप ये काम चालू करो, मैं आपको सब अरेंजमेंट करके दूँगा। आज मैं साहब को थैंक यू बोलूँगा श्री गोपाल शेट्टी साहब को, और मुझे हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद दिए कि मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ नया प्रयास करते रहूँ। और जो बच्चे निःशुल्क ये प्रोग्राम किया है, जो बच्चे आज देख रहे हो आपको उत्साहित हो, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं आज कोरोना के बाद जिनके घर में पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति खराब हुई है, तो मैंने ये सोच पहल की है कि भाई मैं बच्चों को फ्री में गरबा सिखाऊँ। आज पहला दिन था, बारिश के कारण काफ़ी लोग बच्चे आ नहीं सके, हमारे नेक्स्ट सेशन में बच्चे आएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा दिव्या सोनी जी का, और जी दिव्या सोनी जी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं उनको जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा उनका नाम बहुत बड़ा है। सेकेंडली, आज हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर वो एक पदाधिकारी है, तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर भी एक पदाधिकारी है, साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेटी बचाओ और तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका जो स्किल है, उन्होंने मैंने एक ही बार फ़ोन किया कि दिव्या जी मुझे एक प्रोग्राम लेना है, तो मैं क्या करूँ, फ्री का है, तो बोले पहला मैं आप तुरंत चालू कर दो, मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अगर आपको कहा गया है कि आपको निःशुल्क बच्चों को सिखाना है, सारे बच्चों को कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा ये रहा? मैं अगर गरबा के बारे में बोलूँ तो मैं काफ़ी सालों से बच्चों को सिखा रही हूँ। आज तक हमेशा पेड क्लासेस ही करती थी, लेकिन जब धर्मेश भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे इन सब बच्चों को सिखाना है और इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेंगे, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि कोई इंसान आज भी बगैर पैसे लिए, बगैर कुछ भी फीस लिए, ये चीज़ें बच्चों के लिए या किसी या लोगों के लिए करना चाहता है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इसके लिए, और धर्मेश भाई ने मुझसे जब बात किया ना, आई फील सो हैप्पी कि अच्छा हम भी कभी कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए या हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तभी मैंने उन्हें हाँ बोला। गरबा क्लासेस चालू किया है, धर्मेश सर ने क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धर्मेश सर को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया है। वीकली 2 डेज मतलब 4 सेशन है, ऐसा नवरात्रि तक चलेगा, तो वो सेशन में जो भी बच्चे लोग आते हैं उनको कोरियोग्राफर दिव्या शाह और हमारे हिरेन पंचाल, वो दोनों ने अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन दिया है। और मैंने अक्सर देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सर्वे सर्वा जो हमारे गुजराती सेल के हैं धर्मेश, वो तो सोचते बड़ा है, शुरू छोटे से करते हैं लेकिन इतना बड़ा स्वरूप दे देते हैं।
जैसे कोई उत्सव बन रहा है ऐसा स्वरूप देने की उनकी एक खूबी है, तो वो एक सराहनीय है। और ये कार्य जो किया है उसमें बच्चे लोग का उत्साह, आज पहला दिन है इतना उत्साह देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले दिनों में वो और बच्चे लोग को यहाँ इकट्ठा करेंगे, अच्छी मेदनी होगी और अच्छे से अच्छे सिखाएंगे, ऐसे मुझे अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? स्पेशली तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और धर्मेश भाई दोनों का धन्यवाद करते हैं, और भारत की संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य धर्मेश भाई ने हाथ में लिया है उसमें हमारा सहयोग और साथ उनको हमेशा मिलता रहा है। और हम पूरी गुजराती सेल की भारतीय जनता पार्टी की टीम उत्तर मुंबई की उनके साथ है, और वो कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, और उस कार्यक्रम में हमारे उत्तर मुंबई जिला के सांसद गोपाल भाई शेट्टी, श्री नारायण राणे सर, सुनील राणे सर, योगेश सागर जी, इन सब का सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। और स्पेशली हमारे उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर साहब जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, और कमलेश भाई त्रिवेदी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, ये हम सब मिलके कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाए, और सबका साथ सबका विकास का नारा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार। आजच्या ह्या सर्वप्रथम आज ह्या कार्यक्रमाला आलेल्या सर्व मुलींना मी हार्दिक शुभेच्छा देते, आणि सगळ्यात जास्त शुभेच्छा मी धर्मेश सरांना देईन की त्यांनी हा जो बेटी बचाओ बेटी पढाओ या संकल्पनेतून हा जो कार्यक्रम ठेवला, आणि मुलींना फुकट फ्रीमध्ये फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये जो गरबा शिक्षणाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, आणि त्यासाठी प्रख्यात नामांकित कलाकार हिरेन सर आहेत आणि आपल्या दिव्या मॅडम आहेत, त्यांनी जे सहकार्य दिलं आणि मी बघत होते की ज्या प्रकारे त्या मुलींना छान प्रकारे शिकवत होत्या आणि मुलीही त्यांना रिस्पॉन्स चांगल्या प्रकारे देत होत्या, ते अतिशय वाखाणण्याजोगं होतं। आणि हा सर्व संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करून त्याच्या मार्फत जो कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला ते आमचे उत्तर मुंबईचे खासदार सन्माननीय गोपाळजी शेट्टी साहेब हे प्रत्येक कार्यकर्त्याला अशाच प्रकारे सगळ्यांना सहकार्य करत असतात, आणि केव्हाही आपण त्यांच्याकडे जा आणि सर आम्हाला हा कार्यक्रम करायचा आहे म्हटल्यावर ते आम्हाला सर्वप्रथम संपूर्ण प्रकारे सहकार्य करतात, त्यामुळे त्यांचेही मी धन्यवाद मानते। मेरा नाम खुशी है और हम लोग को दिव्या मैम ने अच्छे से सिखाया, हमें बहुत मज़ा आया, गरबा सिखाया बहुत मज़ा आया। और चाहती हो सीखना आप? अच्छे से सिखाया। हाँ पहले आता था? पहले बहुत अच्छा लगा। पहले आता था? सेम स्टेप नहीं आता था, अभी आने लगा थोड़ा थोड़ा सा। और सीखना है आपको? हाँ। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करोगे? आपका नाम निशिका है। हम लोग को आज यहाँ पे गरबा सिखाने के लिए आंटी ने लेकर आई, और यहाँ पे दिव्या मैम ने हम लोग को डांस के गरबा के बहुत सारे स्टेप सिखाए जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गए, और मज़ा भी बहुत आया, और हम लोग को और सीखने का है तो हम लोग हर दिन आएंगे। ये पैसे सीख रहे हो या फ्री में? फ्री में सीख रहे हैं। तुम्हें सिखा रहे हैं लोग? कितने दिन के कोर्स है? 15 दिन बोल रहे हैं सब लोग। मेरे को ये गरबा सीखने में बहुत मज़ा आया, और मेरे सारे फ्रेंड्स भी आए थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मिस बहुत अच्छे से सिखाती है मेरे को, सबको। सर भी बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।